बागपत जनपद के रमाला थाना क्षेत्र के आसारा गांव में आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा विवादित पोस्टर चस्पा करने के बागपत अधिकारियों में हड़कंप मचा है। चस्पा किए गए पोस्टरों में बीजेपी नेताओं को दुराचारी बताया है और लिखा है कि योगी जी का ऐलान दुराचारियों से सावधान, जिसमें साक्षी महाराज, चिमन्यानंद, कुलदीप सेंगर, श्याम प्रसाद और नरेंद्र उपाध्याय के फोटो भी चस्पा किए गए हैं। वहीं पोस्टर चस्पा किए जाने की सूचना के बाद गांव में पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और पुलिस अन्य युवकों की भी पहचान कर गिरफ्तारी करने में प्रयास में जुटी हुई है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के लिए संवाददाता वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट। ये फोटो चस्पा तो योगी जी का फोटो है इसमें, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का, और उस पर कोई ऐसी गलत भाषा भी नहीं लिखी गई, लेकिन बच्चे थे अनजाने में, जो भी लिख दिया उसकी तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं। रही बात पार्टी की, किस पार्टी से ताल्लुक़ था उन लोगों का और किस से नहीं, लेकिन अब तो फिलहाल में एक ही पार्टी है भाजपा, केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में भी। हम केंद्र की भी सत्ता का स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी स्वागत करते हैं। बच्चों ने अगर कोई बात ऐसी किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर दी, हम उसकी माफ़ी चाहते हैं। किसने लगाए थे? और ये बच्चे थे, एक इरफान था जिसको भी अभी 5 मिनट पहले पुलिस लेगी उठा के, कुछ बच्चे और हैं, इतने समझदार भी बच्चे नहीं हैं कि भाई मैं 18-19 साल के बच्चे हैं, उन्होंने अनजाने में गलत काम कर दिया। उतरवा, हाँ वे पोस्टर जो थे हमने उतरवा दिए थे, गांव के लोगों ने बैठ कर उन बच्चों को समझा इंदा कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कि किसी की इज्जत का सवाल। अच्छा, कौन सी पार्टी से थे? पार्टी कुछ नहीं थी, वो आम आदमी पार्टी की कैप रख रखी थी उन्होंने सर पर। अच्छा, पार्टी वार्टी से किसी से नहीं जुड़े, बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, उनका पार्टी से क्या ताल्लुक हो गया अभी 19-20 साल की उम्र। अच्छा, गांव के बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। नहीं, ये तो अभी जब आप आए, आपसे पहले और पेपर्स वाले इन लोगों को बुलाए थे, फिर भी भाई आप भी उनसे पूछना चाहते थे भाई क्या बात है, क्या नहीं, क्यों छापे गए ये पेपर। बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनका कोई उद्देश्य था पार्टी के, लेकिन हर आदमी को पता है आज क्या हो रहा है, कोरोना से देश जूझ रहा है, वैसे ही लोग नमाज पढ़ कर निकले थे जी पहले से ही, वो 2-3 लोग खड़े थे वहाँ पे, इरफान भी था वहाँ पे, और हम नमाज पढ़ गए, उसने बोला कि बैंक का काम है यहाँ पे, बैंक लाना है यहाँ पे, तो ये टोपी उड़ लो, ये वो टोपी उड़ा दी जी उसने हमें, वो फिर बोलने लगा ठीक है, बस एक फोटो सा खींचा जी हमारा उसने, फोटो खींचा जी उसने हमारा, और बस वो आते जाते भी थे वहाँ पर, राहगीर भी थे रास्ते पर थे ना, और तो रास्ते पे थे वहाँ पे, फिर 2-4 आदमी हो गए वैसे भी रुक गए, वैसे कोई ना तो हमें पार्टी से लेना है ना कोई देना है जी। कौन से पार्टी की टोपी उड़ाई थी? ये आम आदमी पार्टी की जी, ये जी हमें कोई मालूम नहीं था क्या करना चाह रहा है, क्या करा, क्या लिख के भेजा इसने, ये हमें कोई पता नहीं। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कोई पता नहीं कुछ भी जी। नहीं, पोस्टर लगाया? पोस्टर तो जब ही ले रहा था वो, एक उसने दीवार पर लगा, दीवार पर ये पता नहीं क्या करना चाह रहा क्या नहीं। पुलिस आई थी कहीं? पुलिस आई थी अभी गांव में? पुलिस आई थी, इरफान को ले गई थी ठाकुर। ये नहीं पता था उसमें क्या लिख रहा है आपको पोस्टर में? नहीं जी, उसमें कुछ नहीं पता जी हमें, बस ऊपरली लाइन का पता, योगी जी का ऐलान, उससे नीचे नु पता नहीं लिख रहा के। अच्छा, बस हम तो चलते चलते थे रास्ते के, हाँ ओढ़ के चल दिए, हाँ टोपी ओढ़ के चल रहे थे जी, और उसने रोक लिए फिर बाद में, वैसे पोस्टर की तरफ हमने निगाह नहीं करी। हाँ, फोटो खींचा? फोटो ये पता नहीं जी। एक गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा कुछ विवादित पोस्टर चस्पा किए गए थे और ऐसे विवादित पोस्टर चस्पा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है थाना रमाला पुलिस के द्वारा और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन